मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। हम मालूम है तेरे बाप को, मैं सिखा चल। पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। अच्छा। पहाड़ों के पर थे, यानी आपने इसको माना अनसाइंटिफिक, और आपके नजदीक साइंटिफिक प्रूफ ही एविडेंस है। तो अब इसका कोई एविडेंस नहीं, तो अब या तो आप इसको झूठ मान लें और या कहें कि नहीं, मेरे नजदीक नॉन साइंटिफिक एविडेंस भी एविडेंस। आमिर भाई इतने रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, अगर ये साबित हो गया कि उस रेफरेंस में वही बात लिखी हुई है जो आमिर भाई कह रहे हैं, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि झूठ है? अरे यार, सब लिखा हुआ आ गया आपके सामने, अब क्या, अब आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं? नहीं, कल को मैं कोई ट्रांसलेशन दे दूं फिर। आप ओपन कर लो, नहीं यकीन, जेएल शास्त्री का दिखा, पूरी बुक खोल के दिखाई है। जेएल शास्त्री के मैक्सिमम ट्रांसलेशंस फर्जी है। फर्जी है ऐसा? अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो पसंद है ना आपको, जो आपको पसंद है वो ट्रांसलेशन ओपन करो, मुझे बताओ, मैं ओपन करता हूं। जो पसंद ट्रांसलेशन, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी ऐसे कैसे कमेंट कर दो। आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि जो वो दिखा रहे हैं अगर वो रेफरेंस सही निकला तो आपने कहा मैं डिनाउंस कर दूंगा। आपने ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं फलाक का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, फलाक होना, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी। रेफरेंस जैसे आपके सामने आया, आप कहते हैं नहीं ट्रांसलेशन ही गलत है, ये तो ट्रांसलेशन ही गलत है, इसको कहते हैं रोना। रोहन कुमार साहब जी भाई, तो सर कितना टाइम होगा मेरे पास? करीबन 15-20 मिनट होंगे मेरे पास। 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट बस जी? मेरे सर कुछ सवाल थे, शायद 3 मिनट में ना हो पाए। कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। जी पहला सवाल रखें। ठीक है सर, तो पहला सवाल तो सर ये है कि यही सेम सवाल है मेरा, कि मैंने कुरान के कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगते हैं कि थोड़े से मुझे समझने की जरूरत है। जो मैं ऐसा नहीं बोलता कि कुरान गलत है या फिर हिंदू सही है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझना चाहता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। तो सर कुरान का जो 54:1 सूरह 54 आयत नंबर 1, वो ये कहती कि चंद्रमा के 2 टुकड़े किए गए थे, मैं सर इसका साइंटिफिक प्रूफ देखना चाहता हूँ। क्या इसका अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है? क्योंकि नासा हो गया, इसरो हो गया, जापान हो गया, ये यूरोपियन की जो स्पेस एजेंसी हो गई, इनमें से किसी ने भी अभी तक, क्योंकि यही ऑफिशियल एजेंसीज है जो इन पर स्टडी करती है, तो हम इन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी और का हम कैसे कह सकते हैं? तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है? ठीक, अच्छा, आपने हमसे वो प्रूफ मांगा उस चीज का कि जो हमारा दावा ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो स्प्लिट ऑफ द मून हुआ है वो एक साइंटिफिक, समझ लें कि या एक फिजिकल वर्ल्ड में हुआ या एक उसकी कोई साइंसी हैसियत थी। हम ये कहते हैं कि वो एक मेटाफिजिकल इवेंट था। किसी भी मेटाफिजिकल इवेंट की आप साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। साइंस की लिमिटेशंस ही हैं कि वो मेटाफिजिकल के चीज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकती। तो ये ऐसा ही है कि मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी जो अकल है, आपके पास अकल है, हर इंसान के पास अकल है, तो उसका आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत नासा ने दिया, आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत कोई यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया। भाई वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा की जो फील्ड है वो आपकी अकल के ऊपर स्टडी करना नहीं है। तो ऐसे ही जो नासा और यूरोपियन एजेंसी है उनकी जो फील्ड है वो ये कि इस दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक फिनोमेना है उनकी हम स्टडी करें, और जो मौजजात होते हैं जिनको मिरेकल्स बोलते हैं वो साइंटिफिक फिनोमेना नहीं होते, बल्कि वो मेटाफिजिकल फिनोमेना होते हैं जो अबव साइंस होते हैं। लिहाजा साइंस उसकी कभी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये रहा साइंटिफिक सबूत, तो हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा सर, मतलब at present we don't have any evidence, यही ना? No, we do have evidence, लेकिन आपको evidence define करना पड़ेगा कि evidence किसको कहते हैं, evidence की definition क्या है? Evidence की definition मतलब यही है, अगर किसी चीज पर हम scientific study करें वो चीज proof मिलते हैं, तो या मतलब ये कि evidence आपके नजदीक वही है जो science के है। Yes sir, यही गलत है, इसी पर बात करते हैं कि क्या evidence सिर्फ scientific होता है? बट सर मैं साइंटिफिक पूछ रहा हूँ ना। नहीं भाई, आप, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे साइंसी तौर पर ये साबित करो कि आप जो है मौजूद हैं। आप साबित नहीं कर पाएंगे, आप ये कहेंगे भाई मैं मौजूद हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे। सर मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखा सकता हूँ अपना, और तो मैं सांस ले रहा हूँ, इंसान की बॉडी होगी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आप है। आपकी बॉडी तो आपके मरने के बाद भी रहती है, उसका तो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका आप केमिकल कंपोनेंट वगैरह जो भी है, जो भी उसके सारी चीजें बता सकते हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ,
आपका मुझे साइंसी सबूत दें। मेरा मतलब क्या, मेरा मन या सिर्फ मेरी बॉडी? आप बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, चूंकि आप जब मर जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे, बॉडी रहेगी। अब मुझे इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो मैं एक मिनट रुकिए, मेरी बॉडी रहेगी, मैं मर जाऊंगा, यही ना मतलब, ब्रेन डेड सिंपल। तो आप तो चले गए, आप ये कहेंगे भाई ये रोहन साहब की बॉडी रखी हुई है, रोहन पास्ड अवे, ही इज गॉन, ठीक, बॉडी यहां पर है। आपकी बॉडी को ये नहीं कहेंगे कि रोहन लेटा हुआ है, ये कहेंगे रोहन इज गॉन, रोहन इज नो मोर। तो वो जो है ना कि हु इज नो मोर, हु हैज पास्ड अवे, उसको साइंस तौर पर साबित करें। यस, हिज ब्रेन इज डेड, हिज ब्रेन इज नो मोर, हिज ब्रेन इज नॉट वर्किंग नाउ। Who's? Rohan's. Who is Rohan? उसको साबित करना है ना पहले, ब्रेन तो डेड जब होगा, जब वो मौजूद होगा, पहले उसके वजूद को साबित करें साइंसी तौर पर। तो रोहन एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो तो रोहन ने एक नाम है भाई। मैं तो बॉडी, मैं बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बॉडी को तो हम भी मान रहे हैं कि वो है, लेकिन आप, मैं बात कर रहा हूँ रोहन की, रोहन को साबित करो कि वो है। मैं हूं मतलब, साइंसी तौर पर, साइंसी तौर पर साबित करना है। मुझे मुझे बताइए कोई साइंसी फार्मूला के जिससे रोहन साबित होता हो, बॉडी नहीं। एक मिनट रुकिए, आप रोहन को क्या मानते हैं पहले ये मैं घंटा मानता हूं, आप पहले बताओ, साबित करो ये मैं हूं, यही साबित करना है ना मेरे जो मैं जो हूँ वो मेरे थॉट है, ये साबित करना है, साइंसी तौर पर साबित करना है। तो मेरा अगर माइंड चल रहा है, ठीक है, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स चल पा रहे हैं ऑलरेडी, मेरा मेरा एक साइकिक जो एबिलिटी है या रैशनल रैशनल जो थिंकिंग है वो करने की जो कैपेबिलिटी है वही मैं हूँ। अब मेरी कैपेबिलिटी नहीं रही, अब सुनिएगा पहले पूरा, पहले पूरा सुन लीजिए। मेरी जो कैपेबिलिटी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अपने थॉट्स रख रहा हूँ, जो मैं अपना सोच पा रहा हूँ, जैसे आप सोच पा रहे हो, आप भी तो आप वही तो है जो आपका थिंकिंग है। आप अगर आपके थॉट्स चले गए, आप बोल नहीं सकते, आप अपने शेयर नहीं कर सकते, तो आप रहे ही नहीं ना। ठीक, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये कहना चाह रहे ना क्या? I think, therefore, I am. यही कहना चाह रहे हैं ना? बहुत मशहूर सेंटेंस है। ओके, अब ये जो है, अच्छा, अब ये जो I think, therefore, I am है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया और जिसके जरिए आपने रोहन को साबित किया कि रोहन है, क्या ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है? अब थिंक का मतलब क्या हुआ? ब्रेन सेल्स मेरे चल रहे हैं, मतलब मेरे ब्रेन पे, मैं बोलता हूं साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। नहीं नहीं नहीं, नो सर, सिर्फ मुफ्ती सर से बात कर रहा हूं सर, मैं बीच में इंटरप्शन नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज। जी जी बोलिए। एक से बात करूं तो सर मैं एक से ही करूंगा ना। वो मुझसे बात कर रहे हैं जी, एक्नॉलेज इस्लाम, ठीक है, बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए उनसे। जी मुफ्ती साहब, ये हजरत कह रहे हैं कि ब्रेन सेल्स है, तो ब्रेन सेल्स एक ऐसे इंसान के भी होते हैं जिसको 100% डिमेंशिया हो गया। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मुझे 100% सही से वाली बात क्या है? उसके ब्रेन सेल्स तो चल रहे हैं ना, तो अब वो ये नहीं कह सकता ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये वाला आर्गुमेंट तो वो दे ही नहीं सकता। मैं ये भी तो बोला ना, ब्रेन सेल्स चल रहे हैं, उसके एक्टिव है, न्यूरॉन्स में अगर उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंप्लीट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक साइंटिफिक, आप इसको साइंटिफिक मानेंगे या आप इसको कुछ और मानेंगे, या आप इसको इंट्यूटिव मानेंगे? देखिए, इंट्यूटिव और साइंटिफिक दोनों मिक्स करके अगर हम बोले तो मिक्स ही करना पड़ेगा हमें। और सर एक चीज और बता रहा हूं, इंट्यूशन को मानते हैं? इंट्यूशन से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आपकी डेफिनेशन में जान लूं। चले मैं उसको मिसाल से समझाता हूं आपको। आपको भूख लग रही है, आप कैसे कन्विंस होते हैं कि आपको भूख लग रही है? फौरी तौर पर तो आप लैब नहीं भागते और जाकर अपनी बॉडी का टेस्ट नहीं कराते कि यार ये मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ और लग रहा है? ये है इंट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सी चीजों को बगैर किसी शक को शुबे के मानते हैं, यकीन करते हैं, बगैर किसी साइंटिफिक प्रोसेस के। नो सर, ये इंट्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो मैं वैसे बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर नोटिस करो तो जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज लेवल कम होंगे, या कोई सेल्स अगर इस तरह का है, जैसे कि आप अमीबा को देख लो, वो अपने जो फॉल्स फीट लगा के जो खाने की फिराक में जो मूव करता है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है, वो खाने के भूख लगने ही तो हुआ। ओ भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि भूख क्यों लगती है, वो आप बता रहे क्यों का जवाब, कि यूं लगती है, इसीलिए लगती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपको भूख लगती है
तो आपको खुद पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, आप किसी साइंसी एविडेंस को तलाश नहीं करते, यू जस्ट हंग्री, यू जस्ट नो दैट यू आर हंग्री। यस सर, वो मेरे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं ना, यू जस्ट नो, यू जस्ट नो। और ये जो नॉलेज आपको आती है ये साइंस, ये किसी लैब से नहीं आती है, किसी ये किसी साइंटिफिक प्रोसेस के नतीजे में नहीं आती। ये वरना कैसे मिलता है? आज वरना सिर्फ आज ये लोग जिनको ये पूरा प्रोसेस पता है कि जब भूख लगती है, बॉडी को क्रेविंग होती है, तो कौन से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पता होता। आज से 2000 साल पहले तो लोगों को पता ही ना चलता फिर भूख लगना किसे कहते हैं, उनको भी तो पता था ना। तो सर 2000 साल पहले क्यों जा रहा हूँ, अभी की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ सर आपको, ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि खाना खा, तो वो कौन सिग्नल देता है? वो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि भूख क्यों लगती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जब सिग्नल्स मिलते हैं, क्या आप साइंटिफिक बुनियादों पर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी भी एविडेंस का, आपको पता है? साइंटिफिक प्रोसेस ही तो हुआ सर, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हुआ कि अगर साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस बताइए क्या है। साइंटिफिक प्रोसेस इसमें ये है, अगर मुझे भूख लग रही है इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेल ऐसा है जिसको एनर्जी की जरूरत है, कोई क्या मतलब हमारी जो बॉडी है। मैं बताता हूं साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी एविडेंस के फॉर्म होने का। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आप थ्योरी डेवलप करते हैं, यह है साइंटिफिक प्रोसेस। नहीं, मैं खाने के फॉर्म में बता रहा हूं सर, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑल द वे टू द थ्योरी, यू नीड हाइपोथेसिस एंड यू नीड एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तब जाकर आपका साइंटिफिक वो एविडेंस बनता है या साइंटिफिक थ्योरी बनती है। अब मुझे बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप इस थ्योरी से गुजरते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करेंगे फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतनी देर में तो आप निमट लेंगे। अरे सर अब ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, आप इस चीज को दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो अगर मैं आग में हाथ डालूं, नहीं आप ये बात आ गई कि एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक नहीं होता, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैंने आपसे पूछा कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा नहीं एविडेंस तो सिर्फ साइंस ही होता है, हमने आपको साबित कर दिया कि एविडेंस अनसाइंटिफिक भी होता है, नॉन साइंटिफिक भी होता है। मतलब आपको भूख लगना ये आपका इंट्यूशन है, इंट्यूशन जो है वो साइंटिफिक हो जरूरी नहीं है। हाँ, हम आपसे उसका प्रोसेस नहीं मालूम कर रहे हैं, प्रोसेस साइंटिफिक हो सकता है, आपकी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा साइंटिफिक होने का मतलब क्या है, ये थोड़ी कि जो दिखता है साइंटिफिक मतलब यही है ना कि आप ये कहना चाहते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी बात इसकी है कि नॉलेज हमें है क्या नहीं है कि स्प्लिट ऑफ द मून हुआ या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अब नॉलेज कैसे आती है, आपने कहा सिर्फ साइंस की बुनियाद पर आती है, उसको मैंने डिबंक कर दिया कि आप दुनिया में बहुत सी चीजों पर यकीन करते हैं और बगैर साइंस की मदद के यकीन करते हैं। मसलन भूख लगना, आपका आप होना, आपका अपना वजूद खुद इस बुनियाद पर आपको मालूम है कि आपने उसका कोई लैब में टेस्ट नहीं किया, आपने अपने हार्मोन्स नहीं देखे, आपने अपना MRI नहीं करवाया पूरी बॉडी का और देखा कि अच्छा अच्छा ये वाले सेल्स हैं, ये वाले मूव हो रहे हैं, कुछ नहीं, यू जस्ट नो दैट यू एग्जिस्ट। तो ये वाली जो नॉलेज है ये बगैर किसी साइंटिफिक थ्योरी के या प्रोसेस के या एक्सपेरिमेंट के या हाइपोथेसिस के या ऑब्जर्वेशन के आई है। इट मींस यू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। हाँ ठीक है सर, बस जब ये साबित हो गया तो इससे ये पता चला कि एविडेंस का साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है। एक मिनट सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देयरफॉर योर क्लेम के स्पिरिट ऑफ द मून के लिए मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए हैज बीन डिबंक्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नो सर, अब मैं बताता हूँ, आप सर थोड़ा सा टाइम देंगे सर मुझे? ठीक है, आपने बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा, मतलब कैसे हो गया सर, बात तो बोलने दीजिए जी, आपको भाई टाइमर लगा दे 2 मिनट का। सर मैं पहली बार आया आपके पास, लंबी बातें करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की सबके सब एग्रेसिव हो जाते हैं आपसे। मैंने आपको 3 मिनट दिए थे गुज़िश्ता, 7-8 मिनट से हम आपसे ही बात कर रहे हैं। टाइमर लगा दिया ना, ठीक है। तो साइंटिफिक एविडेंस होने का मतलब ये नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ तो यहाँ पर आप साइंटिफिक एविडेंस देखने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि आपने खुद बोला इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो ऑब्जर्वेशन होता है, पहले हाइपोथेसिस बनती है, इस तरह की चीजें होती है। तो लोग तो साइंटिस्टों ने जो इलाज वगैरह जो करते हैं वो कैसे इलाज करते हैं, ऑब्जर्व करके ही करते हैं ना, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया है ठीक है ह्यूमन बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, उस हिसाब से वो उन्होंने अपने हिसाब से इलाज वगैरह किए। यही तो होती है साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि मैं अगर मलेरिया का इलाज कर रहा हूँ तो कैसे इलाज कर रहा हूँ। तो ये साइंटिस्टों ने या जो भी बायोलॉजिस्ट जो भी थे उन्होंने इस सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट करके तो किया। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ प्रूफ, क्या साइंटिस्ट के थ्रू, क्या साइंटिस्टों के थ्रू कोई हमारे पास एविडेंस है? क्योंकि आज हम आप खुद ही लाइव स्ट्रीम जो कर रहे हैं ये भी तो एक साइंस के थ्रू ऑब्जर्वेशन वगैरह इन सब के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो चीज आंखों से देख रहे हैं ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या होता था, कभी हम जैसे माना जाता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रही है या पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन जब साइंटिफिक थ्योरीज बनी या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस बने तो उसके बाद हमें रियलिटी पता चली। तो मैं रियलिटी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इस तरफ मोल्ड कर दिया है। तो अभी भी मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आकर रुकता है कि
अगर कोई साइंटिफिक इस तरह का एविडेंस नहीं है, तो अगर मैं कल को कोई भी किताब में एक लाइन लिख दूं कि चलो कल को सूरज टुकड़े में टूट गया चार टुकड़ों में, तो आप मान लेंगे? क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, बस मैंने एक लाइन ही तो लिख दी है, एक किताब में सिर्फ एक लाइन लिखी कि चंद्रमा के दो टुकड़े हुए, क्या वो चीज ज्यादा लॉजिकल हो गई, या फिर वो चीज जिस पे लोग 100 सालों से रिसर्च कर रहे हैं वो चीज ज्यादा लॉजिकल होगी? सिंपल इतना आंसर चाहिए सर। हजरत मैं एक बात कर सकता हूँ इस पे? आमिर सर नो, आमिर सर प्लीज, मुफ्ती सर से बात करना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, कौन होते हैं आप बोलने वाले? जब मैं मुफ्ती सर से बात, यहाँ पर आप आए हैं बात करेंगे, हम सब बात कर सकते हैं आपसे। अब आपका टाइम देखें, बिल्कुल अनइंटरप्टेड मैंने 2 मिनट दिए, और आपने किधर की खिचड़ी बनाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी टाइम इतना कम देंगे और कुछ चाहिए बात आप कर रहे थे, अब खामोश हो जाइए। ये 2 मिनट का टाइमर लगा के मेरे ख्याल से कुछ अंडर प्रेशर आ गए थे आपके, यार 2 मिनट मुझे कुछ ना कुछ कहना है, बस कहना है, बस कहते रहना है, डजंट वेदर इट मेक सेंस और नॉट। जी आमिर भाई जी, बहुत शुक्रिया। हजरत आपने जो एक फंडामेंटल पोजीशन और हमारा जो प्रिंसिपल है टुवर्ड साइंस एज एन आर्ग्यूमेंट या एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और द क्राइटेरिया फॉर द ट्रुथ और रिजेक्ट और सेलेक्ट समथिंग, ये आपने जो एक्सप्लेन किया बड़ा जबरदस्त तरीके से कर दिया है। अगर उस चीज को समझ जाएंगे इनको ये चीज, मैंने ये सवाल बेसिकली हजरत आपने अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर किया होगा दौरे तालिब इल्मी में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ लोग पर्चा पकड़ कर नजर आते हैं कि जी एक किडनी फेल हो गया हुआ है, अब बच्चे जो हैं वो 5 हैं और खामन जो है वो काम नहीं करता, तो कृपया करके थोड़ा सा दान कर दीजिए। वो हर बस के अंदर सेम उनकी एक स्क्रिप्ट होती है। तो इस तरह हमारे कई दोस्तों की, इनकी बात नहीं कर रहा, मसलन कई दोस्तों की ऐसी आदत होती है कि वो हर जगह पर एक स्क्रिप्ट लेके जाते हैं। इन्होंने भी ये सवाल कोई पता नहीं कितनी दफा ये कर रहे हैं और हर जगह ये जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। आपने जो बात रखी है वो बेस, इनको ये चीज भी मैं बता चुका था कि अगर आप साइंस के इतने दिलदादा हैं, आपको कयामत तक का टाइम है कि आपने जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, जिनको आप समझते हैं ना कि ये मून की स्टडी के लिए रिसर्च सेंटर्स हैं बड़े बड़े, इवन नासा जो बंदे ने मून के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, जिस बंदे ने स्टडी किया उन श्रिंकिंग को, उन फोल्ड्स को, उस बंदे ने भी ये कहा है कि हमें मून को पढ़ना है अभी और कि मून के अंदर क्या फीचर्स हैं। तो मैं इनको ये चीज कहता हूं, चैलेंज है कि नासा की अभी तक की, अगर ये समझते हैं अभी तक की कोई रिसर्च ये बताए कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये क्लेम दिखाना है आपने कि वो ये कहें कि मून का स्प्लिट होना ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि खुद उनको पता है कि स्टार्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्प्लिट जो और वापस उनका श्रिंक होना, ये जो है ना ऑनगोइंग एक प्रोसेस है स्टार की फॉर्मेशन। तो ये जो गैलेक्सी सारी खड़ी हुई है ये इसी प्रोसेस के थ्रू हुई है। तो ये मैंने इनको चैलेंज किया था, इन्होंने अभी तक उसका कोई ऑफिशियल रेफरेंस नहीं दिया। ये तो हो गई एक बात आपकी बात है जो आप कर चुके। अब मेरा सवाल है लर्नर भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं इनके सामने बात करते ठीक है। हाँ आप सुन रहे हैं मेरा भाई ना? Yes, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? Yes, sir. आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना अभी तक तो? Yes, sir. ठीक है, कोई आपके पास एविडेंस है कि पहाड़ आसमान में उड़ते हैं और उनके पर हुआ करते थे, पंख होते थे? नहीं है एविडेंस। एविडेंस नहीं है? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सुंदरकांड के अंदर? नो बैसाखी सर, बैसाखी नहीं। बैसाखी लो, ये कहां किसने रूल बनाया? मुसलमान तो मुसलमान तो बैसाखी यूज करता है। जब मैंने आपसे पूछा तो आप उसका आपने उसका जवाब दिया कि चंद्रमा के दो हिस्से। सुने 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 सुने, मेरा सवाल चेंज हो गया है, चंद्रमा के ऊपर मनुष्य भी अभी तक नहीं मिला, वो मैंने सवाल नहीं आपसे पूछा। मैं तो आपसे एज अ सनातनी, वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं सुंदरकांड के अंदर सर्ग 1 के अंदर उन्होंने स्पेशल युग एक कि जो तृतीया युग है जिसको कृता युग भी बोलते हैं, तो तृतीया युग के अंदर जो पहाड़ हैं, ठीक है, पर्वत हैं, इनके पंख हुआ करते थे और ये सारे के सारे उड़ा करते थे, कभी दाएं जाते थे कभी बाएं जाते थे, तो देवी देवताओं को ये भय हुआ कि न जाने कब ये पहाड़ ये पर्वत नीचे गिर जाएंगे और हानि हो सकती है, उन्होंने उनके पंख काट दिए क्रोध में आकर। है कोई साइंटिफिक प्रूफ देना है कोई एक? बेटा हम फार्मूला सेट भी तो करेंगे ना साथ, आप समझ रहे हैं कि यहाँ एक वन साइडेड बात चलेगी? नहीं, कहते हैं जी बैसाखी
हम पर तो पहले इल्जाम है कि बैसाखी यूज करते हैं, आप पर नहीं है। मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया कोई भी। आपने नहीं की, आपने नहीं किया। लेकिन इल्जाम नकल जरूर किया है, ये लफ्ज आपका नहीं है, ये लफ्ज आपका नहीं है, ये तो इस्लामोफोब बोला ना, जो मुर्तद है उनके चैनलों पर यही लफ्ज तो बोला जाता है। अरे सर सुनिए सुनिए, मुर्तद एक्स मुस्लिम इन सबको साइड कीजिए, मैंने सिंपल सवाल किया। आ जाएं, ओ भाई आपने बैसाखी बोला ना, अब जवाब दे। आपने खुद अभी पहले, आपने एक मिनट सुने, आपने पहले ये मान लिया कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि माउंटेन्स के पंख हुआ करते थे पहले और ये ऊपर से नीचे गिरे हैं, ठीक है ना। साइंटिफिक एविडेंस कोई भी नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के अंदर लिखा है, ठीक है। साबित करो दे साइंटिफिक एविडेंस, तो क्या पहले मेरा आंसर मिल जाए सर। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को आप ना पहले आप एक मिनट तो मेरा आंसर मिल जाए, इस तरह बात खत्म होगी। पहले आप में ऋषि जी की गाड़ी निकल गई थी, बल्कि ऋषि जी गाड़ी के नीचे आ गए थे। अरे पहले आप तो जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा ना। हमने जवाब तो दे दिया, कहीं नहीं जा रहा, हमने जवाब दे दिया। आपको पसंद आया नहीं आया, आप कुछ तो बोलिए, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, आप तो भाग रहे हैं जवाब देने से भी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपने वो बैसाखी के थ्रू वो दूसरा टॉपिक छेड़ दिया। नहीं देखिए, स्प्लिट ऑफ द मून, नहीं नहीं दूसरा नहीं, स्प्लिट ऑफ द मून पर हमारी तरफ से भी जवाब आ गया, आमिर भाई ने भी जवाब दे दिया। अब मैं बोलूं सर, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। आपकी पसंदीदा जवाब नहीं, दो मिनट तो मैं दे चुका। अब ये जो आमिर भाई ने आपसे सवाल किया है कि उसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, उसका साइंटिफिक सबूत करें या उसको डिनाउंस कर दीजिए, चूंकि आपके नजदीक साइंटिफिक सर, दो मिनट नहीं सर, एक मिनट में बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि वो मूल वाली बात खत्म हो जाए। मैं यही पर ही बात करूंगा सर आप जो बोल रहे पंख काट दिए, मैं उस पर बात करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसी पर कर ले आप एक घंटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन कम से कम अरे तो एक मिनट तो दे दो मेरे को आपके चंद्रमा के लिए। आपने इसका मतलब मेरी बात सुने, नहीं ना आप समझ नहीं रहे, आपको बात ही नहीं समझ आ रही। आप पता है क्या करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है पानी में बदानी डालना, आप पानी के बुलबुलों से खेलना चाह रहे हो। मुफ्ती साहब ने फंडामेंटल आपको पोजीशन बता दी, मैंने आपको एक चैलेंज किया है, कोई ऑफिशियल साइट ये बताए कि पॉसिबल ही नहीं है कि मून स्प्लिट हो सके, पॉसिबल नहीं, ये मैंने रख दिया सामने। आपने मुझे ये बताना है, कोई रेफरेंस देना है साइंटिफिक, आपकी जिम्मेदारी। नहीं ना, सुनना है मेरा भाई, सुनना है, जवाब क्या देना है आपने, पहले सुन लो, जो सुनता है वही जवाब दे पाता है, तसल्ली से सुनो। आपने कोई सिंगल, हालांकि पहले रिजेक्ट कर चुके हो, मगर कोई एक सिंगल रेफरेंस देना है जिसमें ये हो कि माउंटेन्स के पंख हुआ करते थे, साइंटिफिक रेफरेंस चाहिए। नहीं है कोई रेफरेंस, तो बस फिर ये क्या साइंस है? तो आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं, आप इसको कह रहे हैं लिखा हुआ है चंद्रमा के लिए, एक तरह 30 सेकंड दे सकते मुझे? देखो हमारे पास तो, हम तो साइंटिफिक प्रूफ को मेयार मानते ही नहीं है, लिहाजा आप हमसे ना पूछे। चंद्रमंदिर की बात हो गई खत्म, चंद्रमा तो इस्लाम में साइंटिफिक जैसा कुछ नहीं है, पहाड़ों के पर थे, यानी आपने इसको माना अनसाइंटिफिक, और आपके नजदीक साइंटिफिक प्रूफ ही एविडेंस है, तो अब इसका कोई एविडेंस नहीं। अब या तो आप इसको झूठ मान लें और यह कहें कि नहीं मेरे नजदीक नॉन साइंटिफिक एविडेंस भी एविडेंस। हाँ सर ठीक है सर, मैं उस पे बात करूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उस पे बात करूंगा, लेकिन पहले चंद्रमा पर डिनाउंस करें अभी। चंद्रमा पर दो शब्द बोल लूं सर? एक मिनट, इनकी जरा हजरत, इनकी शानपति मैं थोड़ा पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ। स्टार्ट में तो आके कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं बड़ी गहरी रिसर्च में था, कुरान पढ़ना चाह रहा था, चलते चलते मैं एक जगह पर 54 पे पहुंचा हूं, तो मैं फंस गया हूं वहां आकर, बड़ी रिसर्च कर रहा था। ये वाल्मीकि रामायण किस सन में पढ़नी थी, ये किसने पढ़नी थी, हमने पढ़नी थी, ये कब पढ़नी थी, इस पर रिसर्च कब करनी थी, कुरान पर रिसर्च कर रहा था, मुझे सांस फूल गया मेरा, इसका जवाब किसने देना? चंद्रमा पर दोष के भांजे, इसका जवाब किसने देना? ये पर्वत का, चलो ठीक है, जब भी आएगा ना वो पर्वत का प्रश्न आएगा, पर्वत वो दिखाइए, साइटेशन दिखाइए, ओपन कीजिए, कहां लिखा है? सुंदरकांड खोलो, सुंदरकांड सर्ग एक, मैं दिखाऊं? आप ही दिखा दीजिए। सुंदरकांड ओपन करेंगे, उसका सर्ग एक है, पहला चैप्टर, उसमें 153। मैं भी ओपन कर लूं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल करें तो सली से, वाल्मीकि रामायण आपसे कह रहे हैं कि अपना आर्टिकल दिखाओ, आज तक नहीं दिखाया, अब कह रहे हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उनको डर लग जाता है लिंक ओपन करने में, उनको लगता है मैं हैकर नहीं, तो कंप्यूटर मैंने इनको बोला
इनको जरा खामोश करवाएं, ये बहुत तंग कर रहे हैं, अजीबो गरीब बात। एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये कि आमिर भाई ने उसका रेफरेंस दे दिया, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कभी भी, अगर आपके पास आमिर भाई अभी फौरी तौर पर अवेलेबल है तो बिल्कुल है, कभी भी तो सर अभी करते हैं सर बात, अभी करते चंद्रमा पर तो आप बोलने नहीं दे रहे। अच्छा एक मिनट, ठीक है रुक जाइए, आमिर भाई इतने रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, अगर ये साबित हो गया कि उस रेफरेंस में वही बात लिखी हुई है जो आमिर भाई कह रहे हैं, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि झूठ है? हाँ क्या बोलने, अगर गलत है तो मैं गलत को गलत मानूंगा, क्या बुराई है? आप कहेंगे झूठ है? हाँ ठीक है, चलो भाई आमिर भाई जी। अच्छा मुझे ना लैपटॉप से, मुझे लैपटॉप से, चुप रहे भाई, बोलता क्यों है ये बंदा? शोर क्यों डालता है? अभी रुक जाइए, अभी आपका टाइम शुरू नहीं हुआ, आमिर भाई आप रेफरेंस लेकर आइए जी। हर चीज में ये शोर डालता था बच्चा, बहुत ज्यादा शोर शराबा, मून वाला बोलने नहीं दे रहे हैं आप, अपने ही चला रहे हैं। चलो मैं आपको अभी पूछता हूं ना, मून के चुप कर, ये एक्नॉलेज इस्लाम ने शेयर किया, कौन सा वाला? एक मिनट जी, आ गई है, ये देखें जी, ये वाल्मीकि रामायण है जी, कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, और की किन्होंने है, हरि प्रसाद शास्त्री। और ये मैं लोगों को बताता चलूं, बीजेपी की ई बुक लाइब्रेरी जो है ये मैंने वहां से डाउनलोड की हुई है, ठीक है, वहां से, यहां से आपको ये मैं दिखा देता हूं, यहां से कहां से ओपन होगा जी, ये सुंदरकांड, ठीक है जी, ये सुंदरकांड आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है जी, और इसका पहला सर्ग डिपार्चर ऑफ हनुमान, यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो 153 सेंटेंस ये बनता है, अगर आप श्लोक वाइज सेंटेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते चलते बात चल रही है हनुमान जी के सफर के हवाले से, और एक मिनट, हाँ ये देखें जी, ये सुंदरकांड, और अगर किसी के पास ये वर्जन है तो इसका पेज नंबर 333 नोट कर लें, ठीक है जी। यहां से मैं रीड करने लगा, और ये इंफॉर्मेशन ऋषि साहब दे रहे हैं आपको, ये क्या बताते हैं, एक मिनट ये ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं, तो हेरिकन देयर इज अ फर्दर रीजन फॉर दिस। अब हनुमान जी ने जो पूरे का पूरा पहाड़ उखाड़ के ले गया था, अभी तो उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं पूछा, मगर चूंकि साइंस ने माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर ली है और क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि पृथ्वी के ऊपर माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, 3 से 4 तरह से, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है कि ये आप बता दें, जो साइंस ने रिसर्च कर ली हुई है। इन ओल्डन टाइम्स डियर चाइल्ड, सॉरी रुक जा, डियर चाइल्ड, द माउंटेन्स पर्वत जो हैं, एंडोर्ड विद विंग्स, ये देखें जी, उनके पंख हुआ करते थे, बिगेन टू रेंज, वो चलते थे द फोर क्वार्टर्स विद द स्पीड, चारों ओर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, चारों ओर घूमते थे ऊपर पर्वत में, पर्वत जो हैं वो घूमते थे आकाश में, विद द स्पीड ऑफ गरुड़ा, गरुड़ा की स्पीड से, एंड जर्निंग दस, और इस तरह सफर किया करते थे, द कंपनीज ऑफ सेलेस्टियल्स, दूसरी जिस तरह घूमते हैं, एसेटिक्स एंड अदर बींग्स ट्रेम्बल्ड विद फियर, दूसरी चीजों के ऊपर से घुमा करते थे, तो खौफ से, अदर बींग्स ट्रेम्बल्ड विद फियर, लोग डरते थे, लेस्ट दे शुड फॉल, तो ये कहीं गिर ना जाएं, देन हाईली एनरेज्ड, बड़े क्रोध में आके, द गॉड ऑफ 1000 आईज, जिसको इंद्रा बोला जाता है, द परफॉर्मर ऑफ 100 सेक्रीफाइसेस, severed the wings of those hundreds and thousands of mountains with his thunderbolt. ये जी ग्रीक थॉर, ये इंडियन थॉर थे इंदिरा जी, इन्होंने अपनी चमक के जरिए, अपने क्रोध के जरिए, उन पर्वतों के जो के सैकड़ों में और हजारों में थे, उनके पंख काट दिए और वो जमीन पर गिरे। ये जी आपके सामने लिखा हुआ जी भाई, तो अब जल्दी से आगे की बात है जी, ठीक है सर, इसका श्लोक निकालिए। अरे यार सब लिखा हुआ आ गया आपके सामने, अब क्या, अब आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं? नहीं, कल को मैं कोई ट्रांसलेशन दे दूं, फिर आप ओपन कर लो, नहीं यकीन, जेएल शास्त्री का दिखा, पूरी बुक खोल के दिखाई है, जेएल शास्त्री के मैक्सिमम ट्रांसलेशंस फर्जी है, फर्जी है ऐसा, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो पसंद है ना आपको, जो आपको पसंद है वो ट्रांसलेशन ओपन करो, मुझे बताओ, मैं ओपन करता हूं जो पसंद ट्रांसलेशन, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी ऐसे कैसे कमेंट कर दो। मुझे बोलने देंगे सर थोड़ा सा, आपको बहुत वक्त दिया था मैंने, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इंसाफ के साथ, हक के साथ, रैशनैलिटी के साथ, और वाकई आप लर्नर हैं, और आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि जो वो दिखा रहे हैं अगर वो रेफरेंस सही निकला तो आपने कहा मैं डिनाउंस कर दूंगा, आपने ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं फलाक का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, फलाक होना, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी,
आपके सामने आया, आप क्या करेंगे, ये तो ट्रांसलेशन ही गलत है, ये तो ट्रांसलेशन ही गलत है, इसको कहते हैं रोना। अब उसके बाद फिर हम आपको लेंगे, लेकिन यही से बात शुरू होगी, या तो मेरे चैनल पर आएंगे या आमिर भाई के चैनल पर, यही से बात शुरू होगी और आप इसका रेफरेंस देंगे, और नहीं ले, और अगर नहीं आएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन आपकी ये है कि ये झूठ लिखा हुआ है, हमारी यही है, आपकी भी पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन यही है कि झूठी है। ठीक है सर, अब कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग लाइन बोल दीजिए। अब आपकी इज्जत इसी में है कि कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें, आपकी इज्जत इसी में है कि अपने कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें और नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर पर ही आए। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। दो कंक्लूडिंग लाइन बोल बार बीच में, ओ यार भाई जाओ, यार जाओ मेरा भाई, क्या ये, सॉरी मैंने किसी और को निकाल दिया, ओहो हमें कौन जवाब देगा उस पर, तो आप कहते हैं मैंने चंद्रमा पे बात करनी है, चंद्रमा पे आपको बेसिक पोजीशन दे दी, नेक्स्ट आइएगा तो जवाब दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो और नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे और शेयर भी करे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।